It's warmly welcome, Professor Rizwanur Rahman, Professor and Chairperson of Center of Arabic and African Studies, JNU. Let me say a few words about Professor Rahman. He had worked as the lecturer of Arabic at School of Foreign Languages under the Ministry of Defense, Government of India. Since 2001, he has been part of JNU. Our respected professor has also been the editor, chief editor, and guest editor for the various journals. Apart from English, Arabic, and Hindi, he also knows Urdu, Persian, and Maithili languages. He has published more than 10 books, including translations of novels and short stories from Arabic into Hindi and Urdu. His translated short stories from Arabic into Hindi and Urdu has been published in various journals and books. His research papers and articles are also published in various renowned international journals. He not only participated in lots of international seminars or conferences, but also organized many international conferences jointly with many institutes around the world. We, JNU's Tamil stream, are very proud to invite Professor Rizwanur Rahman for this National Symposium of Hindi Translation of Tulkarpiyam. Now, I humbly request Professor Rahman to present his speech on Vedrumaiyal and Uriyal chapters of Tulkarpiyam. Thank you. मैंने अपना जो पेपर है वो उसको मैंने हिंदी में जैसा कि कहा गया था मैंने हिंदी में इसको तैयार किया है। सबसे पहले आरंभ में मैं तमिल चेयर के प्रोफेसर को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया कि मैं एक ऐसे विषय पर बात कर सकूं जिस विषय पर मेरी पीएचडी थी हिंदी व्याकरण और अरबिक व्याकरण का हमने पीएचडी में अध्ययन किया था। तो इसी संदर्भ में मुझे कहा गया कि आप अगर इस पर कुछ बोलना चाहें तो बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसे ग्रंथ के ऊपर उसके दो अध्यायों के ऊपर बोलने का अवसर दिया गया है। एक ऐसा ग्रंथ जो शायद विश्व का सबसे पुराना सबसे प्राचीन व्याकरण का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लेखकों को किसी और लेखकों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए कि इनके जो ग्रंथ में जो बातें बताई गई हैं, जो बातें लिखी गई हैं, वो जो 1500 ईसा पूर्व से पहले 1500 से 2500 वर्ष ईसा पूर्व के पहले लिखी गई उस तरह के ग्रंथ संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि ये ऋग्वेद के और पहले का है और इसमें एक बहुत विशेष बात यह है कि तोलकप्पियर नामक लेखक ने जो इसे लिखा है उसको ऐसे क्रमबद्ध लिखा है जिसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन इस परंपरा के संबंध में मैं बता दूं कि ये परंपरा तमिल भाषा में भारत या संसार के किसी और भी भाषा से और पहले ये परंपरा उनके यहाँ रही है। और इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई कि ऋषि अगस्त द्वारा लिखित मूल व्याकरण के अगथियाम कहा जाता जिसको अगथियाम कहा जाता है, लेकिन यह एक महान जो ग्रंथ था जो बाद में गायब हो गया, जो अब उपलब्ध नहीं है, उनके छात्र
तोलकापियर को तमिल व्याकरण संकलित करने के लिए कहा गया। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके अनुवादकों का जिन्होंने इसको हिंदी में रूपांतरित किया और जो हिंदी के छात्रों के लिए और हिंदी के विद्वानों के लिए ये अब उपलब्ध है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कही गई कह सकता हूँ मैं कि इस व्याकरण को अगर कोई पढ़े तो शायद उसको लगेगा कि मुझे कुछ तमिल भी पढ़ने नहीं चाहिए, तो तमिल भाषा को पढ़ने की प्रेरणा इससे मिलेगी। और हम सबों ने संगम साहित्य के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ा है, और लेकिन ये चूंकि व्याकरण है और इसके सूत्र हैं और सूत्र एक एक सूत्र को अलग अलग से अलग अलग तरीके से हिंदी में इसको अनुवाद करने का प्रयास किया गया है, साथ साथ इसकी समों की व्याख्या भी इसमें की गई है। मेरे सामने दो अध्याय हैं, अध्याय नंबर 11 और 17। मैं अपने इस लेख में तोलकापियम के दो अध्यायों के ऊपर इन्हीं दो अध्यायों के ऊपर अपनी बात रखूंगा। अध्याय 11 विभक्ति प्रकरण पर आधारित है, जबकि 17वें अध्याय का संबंध विशेषण से है। इस महान तमिल ग्रंथ ने इन दोनों विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। विभक्ति के बारे में हम सब जानते हैं कि विभक्ति एक ऐसा व्याकरण का एक अध्याय है जिसके बिना कोई भी व्याकरण किसी भी भाषा में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कि विभक्ति ही है जिससे किसी भी पद में फ्रेज में शब्द को रखने के बाद विभक्ति के द्वारा ही हम उसका उसकी उसका जो अर्थ है उस संदर्भ में हम अर्थ तक पहुंच पाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभक्ति का शाब्दिक अर्थ है विभक्त होने की क्रिया या भाव या विभाग या बांट। व्याकरण में शब्द संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद में क्या संबंध है, कि क्रियापद से क्या संबंध है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार नाम या संज्ञा शब्दों के बाद लगने वाले ये प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं, जो नाम या संज्ञा शब्दों को पद बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं और कारक के द्वारा क्रिया के साथ संबंध सूचित करते हैं। हम सभी जानते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियां हैं जिसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन तीन वचन होते हैं। पाणिनी व्याकरण में इन्हें सूप आदि अनेक विभक्ति के रूप में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरण में जिसे विभक्ति कहते हैं वो वास्तव में शब्द का रूपांतरित अंग होता है, जैसे रामेन रामय इत्यादि। आजकल की प्रचलित हिंदी में इस प्रकार की संस्कृत की तरह की विभक्तियां अब प्रायः नहीं पाई जाती, केवल कर्म और संप्रदान कारक के सर्वनामों में विकल्प से आती हैं, जैसे मुझे तुझे इन्हें इत्यादि। संस्कृत में विभक्तियों के रूप शब्द के अंत अक्षर के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, पर यह भेद खड़ी बोली के कारकों में नहीं पाया जाता, जिसमें शुद्ध विभक्तियों का व्यवहार नहीं होता, कारक चिन्हों का व्यवहार होता है, जैसे ने में से द्वारा आदि। तोलकापियर विभक्तियों के अनेकों प्रकार लिखते हैं। आरंभ में बताते हैं कि विभक्तियां 7 होती हैं और इसमें वो प्राचीन आचार्यों का हवाला भी देते हैं। वहीं सूत्र नंबर
547 में अपनी ही बात को काटते हुए लिखते हैं कि यदि संबंध संबोधन को भी जोड़ दिया जाए तो विभक्तियां 8 हो जाती हैं। इसका कारण बताते हैं कि नाम संबोधन को स्वीकार करता है, जिसे संबोधन नामक विभक्तियों का योग होता है, हो जाता है। अतः विभक्तियां 8 हो गईं। इसके पश्चात शब्द के अंत में आने वाले विभक्तियों का उल्लेख करते हैं और सबका अलग अलग नाम बताते हैं। उनके अनुसार 8 विभक्तियां हैं, नाम, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, जबकि हिंदी विभक्त व्याकरण के अनुसार केवल 7 विभक्तियां होती हैं और वे हैं कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। यदि हम विशेषण की परिभाषा देखें तो पता चलता है कि ये एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि को बताता है, जैसे बड़ा, भारी, दयालु, उल्टा पुल्टा, 1, 10 इत्यादि। टॉल कैपियर ने हर एक विभक्ति, अगर हम मैंने अभी विशेषण के बारे में बात की, विशेषण में भी विभक्तियां होती हैं और इन विभक्तियों को टॉल कैपियर ने बड़े ही विस्तार से उदाहरण के साथ इनका वर्णन किया है। मैं विशेषण के विभक्तियों के ऊपर न जाते हुए मैं विशेषण के प्रकार के बारे में आपको बता दूं, जो एक दूसरे अध्याय का एक भाग है, 17वां अध्याय है। और यदि हम विशेषण की परिभाषा देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा संज्ञा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो सर्वनाम के गुण, संज्ञा या सर्वनाम दोनों के गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि को बताता है। और उसके लिए हमने पहले आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। विशेषण विकारी शब्द होते हैं एवं उन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, 1, 2, वीर, पुरुष आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। विशेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक, जैसे सुंदर, इमारत, संख्या विशेषण, 7 अजूबे, परिमाणवाचक विशेषण, 1 किलो टमाटर, 1 किलो इसमें परिमाण बताता है। सर्वनाम विशेषण, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, वो अच्छे से काम करता है इत्यादि। व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे भारतीय खाना, लखनवी अंदाज इत्यादि। प्रश्नवाचक विशेषण, तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ कौन सी, ये प्रश्नवाचक है। 7वां है तुलना, संबंधवाचक, जैसे अंदरूनी, या शब्द अंदर शब्द से बना है इत्यादि। टॉल कैपियर ने विशेषण अध्याय में उरियल या विशेषण नामक इस प्रकार में कविता रचना में प्रयुक्त होने योग्य शब्दों का परिचय दिया है। इनमें शब्द, इनके अनेक शब्द अब प्रचलित नहीं हैं और अधिकतर विशेषण कोटि में ही में हैं। इनमें सूत्र नंबर 775 में वो इस प्रकार के शब्दों का व्याख्या करते हैं। इनके उदाहरण में
ये शब्द कथन, संकेत या गुण के रूप में प्रकट होते हैं। नाम और क्रिया के साथ आश्रित होकर ये उनमें भ्रम भी पैदा करते हैं। कभी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कभी कभी अनेक अर्थों के लिए मात्र एक ही शब्द होता है। इनका कहना है कि विशेषण शब्द अपनी अपनी प्रकृति में स्थित होकर नामों और क्रियाओं के साथ संलग्न रहते हुए अपने परिवेश से अर्थ व्यक्त करते हैं। अगर इनके विषय विशेषणों को की तुलना अगर हम हिंदी से करें तो इनके अनुसार जो विशेषण हैं और उनका उनके जो अलग अलग भाव और अलग अलग अर्थ होते हैं वो हिंदी से थोड़े से भिन्न कहे जा सकते हैं। इस ग्रंथ में जिस विशेषण शब्दों का अर्थ खुद से अस्पष्ट हो उसको ये उसकी ये व्याख्या नहीं करते क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं होता है, जैसा कि उन्होंने बताया है और बात सही भी है। किसी भी पुस्तक या ग्रंथ में उन्हीं बिंदुओं पर विचार करते हैं जिन बिंदुओं को समझाना आवश्यक हो और जो अपने आप में अर्थ न देते हों या जिनके अर्थ के लिए कुछ और भी शब्दों की आवश्यकता पड़े। तो यही कारण है कि वो कहते हैं कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ खुद से निकलता हो, विशेषण शब्द जिनका अर्थ खुद से निकलता हो, उसकी व्याख्या करने का कोई लाभ नहीं है। और एक सूत्र 777 में वे इन विशेषणों को क्रम से गिनते हैं जिसके अर्थ अस्पष्ट हो जाते हैं, जिनके अर्थ को स्पष्ट करने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अध्याय में सभी प्रकार के विशेषणों का उल्लेख किया गया है, साथ ही उनकी विभक्तियों पर भी चर्चा किया गया है। अंत में वो ये कहते हैं कि इस प्रकरण में अभी तक जिन विशेषणों का उल्लेख हुआ है उनके अतिरिक्त लोक व्यवहार में अनेक विशेषण विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं। हमेशा नए शब्द और नए विशेषण का निर्माण होता रहता है और भाषा की यही विशेषता है। यहाँ पर इस ग्रंथ के रचयिता की एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व या 3500 वर्ष पूर्व ऐसे विद्वान भारत की धरती पर पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत आगे की बात उन्होंने सोची और उसको अपने ग्रंथ में उसकी को जगह दिया। एक समय था कि जिसको हम कहते हैं लोन वर्ड, बाहर से आए हुए शब्द, दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द उनकी जगह आम तौर पे अपनी भाषा में होती नहीं थी और बहुत ही मुश्किल से लोग इस तरह के शब्दों को कबूल करते थे। लेकिन तोलकप्पियर ने अपने इस ग्रंथ में ये बात साफ साफ लिख दी है कि अनेकों स्रोतों से शब्द आ सकते हैं, विशेषण आ सकते हैं, संज्ञा के भी आने की गुंजाइश रहती है और अलग अलग समय पर इस तरह के शब्द हमारे भाषा के अंदर आते हैं और यही भाषा की विशेषता है और किसी भी भाषा का के अपने अंदर की शक्ति, उसके अपने अंदर के यूं कह सकते हैं कि एक तरह से पलने और बढ़ने का जो एक नेचर है उसको दर्शाता है। भारत में अनेकों भाषाएं जो आज प्रचलित हैं उन्हें देखें तो इन भाषाओं में हजारों ऐसे शब्द जो विदेशज हैं, जो विदेशी भाषाओं से ऐसे शब्द आए हैं, उसमें संज्ञा भी है, उसमें विशेषण भी है और वो आज प्रचलित हैं। लेकिन इतना पहले
इस ग्रंथ के रचयिता ने इस बात को अपने ग्रंथ में लिखा है और ये बहुत ही सराहनीय है। और अंत में मैं एक बार फिर प्रोफेसर दामोदरन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मुझे बात करने का अवसर दिया। और मैं आशा करता हूँ कि तमिल भाषा के इस ग्रंथ को अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा थोड़ा समझ आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट तमिल और इंग्लिश, आफ्टर दैट आई विल सजेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।